तुम चिंता मत करो, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। पर सुरेश हम ऐसे ये लो, ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर। सुरेश हम ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? तुम जाके तैयार हो जाओ, फिर हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मैं पूजा गौर, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्यार का खुशनुमा एहसास कब दो दिलों में दाखिल हो जाए ये कोई नहीं जानता। जज्बातों की चिंगारी कब दिलों में इश्क की आग भड़का दे ये तय करना किसी के लिए भी मुश्किल है। लेकिन विडंबना ये है कि अक्सर प्यार के ज्यादातर अफसाने नफरत के निशाने पर होते हैं और इसकी कई वजह है। लेकिन आज हम आपके सामने यूपी के वाराणसी शहर की एक ऐसी प्रेम कहानी को लेकर आए हैं जिसमें इश्क के जुनून ने एक ऐसी वारदात को न्योता दे दिया जिसकी उम्मीद किसी को न थी। वाराणसी के रहने वाले सुरेश और सुहानी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लिहाजा सामाजिक परेशानियों को दरकिनारे करते हुए दोनों ने एक दिन घर से भागकर मंदिर जाकर शादी करने का फैसला किया। दोनों अपने प्यार को मुकम्मल करने ही वाले थे कि अचानक एक गोली चली और सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई। आखिर किसने चलाई ये गोली? दो प्यार करने वालों को इस बेरहमी से आखिर किसने जुदा कर दिया? क्या सुरेश और सुहानी को अपने परिवार से बगावत करने की सजा दी गई थी या फिर इस हत्या के पीछे कोई और ही राज था? आज तूने हमरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। कौन सोच सकता है एक मामूली सारे बुनने वाले का बेटा इतने बड़े कॉलेज में दाखिला पाएगा। बाबा, ये सब आपसे तो सीखा है कि जो करो अच्छे से करो। कहीं मैं ये इमोशनल फैमिली मूवमेंट खराब तो नहीं कर रही? अरे ये सब तेरी वजह से तो है, तूने ही तो इसे डंडे मार मार के पढ़ाई करवाती थी। अब अपने दोस्त के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। अच्छा मेरी माँ, बातें बाद में, अब चले वरना लेट हो जाएंगे। अरे घबरा मत यार, कोई रैगिंग वैगिंग नहीं होने वाली है, कॉलेज के रूल्स हैं। फिर भी अगर तुम और हम एक ही क्लास में होते तो कितना अच्छा होता। संजू छोड़ो ना। टेंशन क्यों लेती हो जान, कोई नहीं देखेगा। तुम अपनी क्लास में जाओ, जाओ। संजू अगर कोई देख भी लेगा। संजू छोड़ो ना, क्या कर लेगा हा? बना बनाया काम बिगाड़ दिया तुमने। खड़ा गया लट। ऐसे ही चला गया ना मुझे क्लास में जाने के लिए बोलकर? तुझे पता है ना मैं ये सब नहीं देख सकता, और ऐसे लड़के के साथ कोई कैसे रह सकता है? एक्सक्यूज मी, एक मिनट बात करनी है प्राइवेटली प्लीज। वो आज जो आपने देखा प्लीज उसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। वो संजू एक्चुअली मेरा मंगेतर ही समझ लो। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन प्लीज तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। तुम चिंता मत करो, मुझे गॉसिप करने की आदत नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय। कर ली मदद? देख मैं बोल रही हूँ तुझको, इन सब चक्करों में मत पड़, कोई जरूरत नहीं है तुझे हीरो बनने की। मेरी माँ, मैं कोई हीरो नहीं बन रहा, और वैसे भी ना हाई फाई लड़कियों को मेरी हीरोगिरी कहाँ पसंद आने वाली है।
सुरेश का ये सोचना गलत साबित हुआ कि उसके और सुहानी के बीच में भविष्य में कोई तालमेल की संभावना नहीं। अलबत्ता गुजरते वक्त के साथ दोनों के बीच ना सिर्फ दोस्ती हुई बल्कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ गए। हमेशा चुपचाप रहने वाला सुरेश अब सुहानी की अदाओं और बातों से मोहित होने लगा और जैसे जैसे समय बीता वो सुहानी की मदद करने के लिए हमेशा मौजूद रहने लगा, क्योंकि अब वो उसकी एक बहुत ही खास दोस्त बन चुकी थी। जिस रफ्तार से सुरेश और सुहानी की नजदीकियां बढ़ रही थी उसी रफ्तार से सुरेश के लिए निशी की चिंताएं बढ़ने लगी। उसे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं सुरेश को सुहानी से प्यार ना हो जाए और सुरेश की सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते उसने सुरेश को उस खतरे से भी आगाह करने की कोशिश की जो उसकी और सुहानी की नजदीकियों से पैदा हो सकता था। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं जल्दी वापस आ जाऊँ। लेकिन वो नरेंद्र पांडे की बेटी है सुरेश, और उसका बॉयफ्रेंड उससे भी बड़ा गुंडा, तुम ऐसे लोगों से दूर नहीं रह सकते क्या? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उसकी कुछ किताब रह गई थी, कॉलेज देने जा। लेकिन आज तो कॉलेज बंद है ना सुरेश? तुम्हें उस जाहिल संजू के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ होना चाहिए। किसी और के साथ मतलब? जैसे कोई तुम्हें सच्चे दिल से चाहता। कोई तुम्हारी जैसा? एक मिनट सुहानी। हाँ जी, तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। सुहानी, देखो गलती हम दोनों की थी, हम एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। खैर, हाँ तुम? सुहानी, सुहानी कौन है तुम्हारे साथ? जो भी है मुझ पर हाथ नहीं उठाता वो। सुहानी तुम्हें नहीं चाहती। तू मुझे बताएगा ये किसे चाहती है? ले आसे। चल बात करनी है। सुहानी, सुरेश चलो यहाँ से। क्या गुंडागर्दी कर रहे हो तुम? फिर कॉलेज के प्रिंसिपल ने देख लिया ना तुमको, कॉलेज से बाहर निकाल के फेंक देंगे। बस निशी बस, मैं संजू को उसके साथ नहीं जाने दूंगा। वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे। और रही बात तुम्हारे भाषण की, अपने पास रखो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। सुरेश एक लो मिडिल क्लास का सीधा साधा लड़का था जिसे सुहानी ने अपने माया जाल में पूरी तरह फंसा लिया था। सुरेश सुहानी से सच्चे दिल से प्यार करने लगा था जबकि सुहानी के लिए सुरेश सिर्फ एक खिलौना था। उसके इस नाटक के पीछे कुछ और ही मकसद था। वो सुरेश का इस्तेमाल करके संजू का दिल जला रही थी। अब इस दोगले और खतरनाक खेल का अंजाम सिर्फ बुरा ही हो सकता था। सुरेश चलो मेरे साथ अभी, चलो। सुहानी बात, चलो मेरी बात तो सुनो सुहानी। सुरेश क्या हुआ? सुरेश मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है, मेरी सगाई होने वाली है, लेकिन मैं उस जानवर के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। जी नरेंद्र जी से मिलना था। आपके पास अपॉइंटमेंट है? जी वो तो नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का जरूरी काम। साहब मीटिंग में बिजी हैं, अभी आपसे वो नहीं मिल सकते, प्लीज। एक बार जा रहे हैं आप? सर बस एक बार इस ब्रिज का टेंडर हमें मिल जाए ना तो बस यूं समझिए कि बनारस से इलाहाबाद की दूरी यूं खत्म। सर 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 काम से जा रहे हैं। नमस्ते सर। साहब बिजी हैं। मेरा नाम सुरेश है और मैं सुहानी के कॉलेज में ही पढ़ता हूँ। सर मैं आपसे कहने आया था कि अब सुहानी की शादी उस जाहिल संजू से ना करवाएं। सर मैं और सुहानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। सर सर प्लीज बात करो। सर सर उसकी जिंदगी का सवाल है। सर सर प्लीज सर संभालो इसे। आ, 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 आ,
बोला था वो क्या है ना कि साइकिल के एक्सीडेंट के बारे में माँ को पता चलता तो बुरा मान जाती, इसीलिए यहाँ चलाया मैं काकी। बहुत अच्छा किया। अरे मैं रोटी भूल गई, रोटी लेके आती हूँ। और कितना झूठ बोले, पता चला मैं क्यों भाषण देती थी? नहीं नहीं, तो कम से कम काका काकी की तो सोच, अगर उन्होंने तुझे कुछ कर दिया होता तो। वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तू ही बता निशी। अगर तेरे प्यार पे बनाती तो क्या तब भी तू यही कहती? तेरा तो मुझे पता नहीं, मगर मैं हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता। सुरेश के साथ क्या हुआ तुम्हें तो पता होगा ना? हाँ देखो, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, सुरेश को अपनी जिंदगी से दूर रखो तुम। अच्छा तो पहले तुम मुझसे दूर क्यों नहीं हो जाती? हाँ हाँ संजू, हाँ रास्ते में ही हूँ, आती हूँ। निशी तुमने सुहानी को देखा क्या? वो क्लासरूम के बाद मेरी उससे बात ही नहीं हुई। वो शायद घर चली गई होगी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि बर्थडे का क्या प्लान है? सिर्फ दो ही हफ्ते बाकी है ना बर्थडे का। हाँ एक काम करते, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ, पापा भी उस दिन पटना से आ रहे हैं, तो बर्थडे तुम्हारा पार्टी मेरी। हाँ यार मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत मजा आया सच में, लेकिन ना कपड़े ट्राई करते करते मैं बहुत थक गई हूँ यार, क्या बताऊँ तुझे। हाँ यार मैं तुम यहाँ पे मैं तुम्हें कब से फोन कर, कितने मैसेज की, ना तुम फोन उठा रही हो ना ही कोई मैसेज का जवाब। भगवान का शुक्र है मैं तो डर ही गया था। सुहानी क्या बात है? सुरेश प्लीज मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे पापा को गुस्सा नहीं जानते, और अब मेरे नसीब में जो है वही होगा ना, परसों मेरी सगाई है तो प्लीज प्लीज चलो यहाँ से। सुहानी प्लीज सुरेश प्लीज तुम जल्दी जाओ यहाँ से, शायद शायद मेरे नसीब में यही है। तुम्हारे नसीब में मैं हूँ सुहानी, मैं इतनी जल्दी हारूंगा नहीं, पर और ना ही तुम्हें अपने नसीब से हारने दूंगा। अब तुम अपना ध्यान रखना। हेलो संजू, संजू एक प्रॉब्लम हो गई है। हैप्पी बर्थडे। आई एम सॉरी निशी, मुझे जाना पड़ेगा, कल सुहानी की सगाई है और मुझे किसी भी हालत में उसकी सगाई को रोकना होगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? और कोई रास्ता नहीं है निशी हमारे पास, सुहानी अपने घर के बाहर इंतजार कर, हम लोग यहाँ से सीधा मंदिर जाएंगे और फिर शादी कर लेंगे, फिर उसके पापा को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और काका काकू उनको पता भी है? किसी को कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि सुहानी को भी नहीं। माँ बाबा को मैं बाद में मना लूंगा, वो अभी नहीं समझेंगे, पर कम से कम तुम तो समझो। चलो हमारे साथ शिव मंदिर। मैं इस पागलपन में तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाली,
तुमको एक बार हड्डियां तोड़वाकर चैन नहीं मिला क्या? मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें नहीं जाना ठीक, मत जाओ। अरे गुड़िया। अरे बाबा कैसी है बेटा तू? और बेटा ये सुरेश? निशी ने सुरेश को सुहानी से हर मोड़ पर दूर रहने की हिदायत दी। उसने पूरी कोशिश की कि सुरेश सुहानी के झूठे प्यार को पहचान जाए, उसे हर मोड़ पर खतरे से बचाए। लेकिन सुरेश सुहानी के प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि ना तो उसने निशी की कोई भी बात सुनी और ना ही उस प्यार को परख पाया जो निशी की आंखों में उसके लिए हर पल तैर रहा था। सुरेश, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बर्थडे है ना। देखो सुरेश, अगर पापा को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा, और कल मेरी सगाई होने वाली है। तो कल तुम्हारी सगाई नहीं होगी क्योंकि हम आज ही शादी कर रहे हैं और पंडित जी भी आते ही होंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? और मैंने तुम्हारे पापा को भी बुलवाया है, फिर तो उन्हें हमारा रिश्ता स्वीकारना ही होगा ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, बकवास बंद करो तुम। अगर पापा को पता चल गया तो बर्थडे के दिन ही मारे जाओगे तुम। तुम चिंता मत करो, अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अब पंडित जी भी आ गए। आधे घंटे में विवाह की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। आओ सुहानी, आप भी आओ। क्या करूं, यहाँ पर तो ऑटो भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। पर सुरेश, हम ऐसे ये लो, ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर, तुम जाके तैयार हो जाओ, फिर हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हम विवाह की तैयारी कर रहे थे और ये बालक बाहर कन्या को बुलाने के लिए आया और आप लोग अभी बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते। मुझे क्या हो गया मेरे बेटे को? देखो इंस्पेक्टर साहब, ये सब कैसे? और हमारा बेटा यहाँ क्या कर रहा था? शायद अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने आया था। ये इनको पता होगा शायद। क्यों काका, काकी, मैंने सुरेश को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना। मैंने उसको बोला था कि वो सुहानी से दूर रहे, पर सुहानी? सुहानी कौन है? हरिंद्र पांडे की बेटी। सुरेश उसी की क्लास में था, उसको बॉयफ्रेंड होते हुए भी सुरेश पर डोरे डाल रही थी। शायद वो संजू, संजय प्रकाश, उसको होने वाला मंगेतर है, उसके साथ उसकी सगाई होने वाली थी। और वो सुहानी, वो हमेशा हमेशा सुरेश के पास आकर अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में उसको फंसाती थी, और सुरेश हमेशा उसकी बातों में आ जाता था। काकी, सुहानी संजू और सुरेश दोनों को धोखा दे रही थी। सुरेश और संजू की लड़ाई भी हुई और उसके पिताजी ने उसको पिटवाया भी। मैंने कहा था सुरेश को कि वो मुसीबत में पड़ जाएगा, और उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। काश वो सुहानी कभी इसकी जिंदगी में आती ही नहीं। तुम हो सुरेश? हम बचपन के अच्छे दोस्त हैं। अवलार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और जैसे रिपोर्ट आती है तुरंत मुझे दिखाओ। मैं जाता हूँ उस नरेंद्र पांडे के घर पे। तो आप वहां से भाग आए और उसको अकेले वहीं पे छोड़ दिया मरने के लिए, क्यों? इंस्पेक्टर साहब, वो लड़का हमारी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, उसे धोखे से शादी करने के लिए वहां ले गया, और आप
आप हमारी ही बेटी से पूछताछ कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आपकी बेटी गई थी उससे मिलने के लिए। वो लड़का आपके घर से आपकी बेटी को नहीं लेके गया था, और जब आपको मंदिर जाने का मन नहीं था तो आप उसे मना कर सकती थी, मना क्यों नहीं किया? वो बार बार मुझसे कह रहा था कि उसका बर्थडे है, मुझे लगा शायद मिलना चाहता होगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। और जैसे ही आपको ये बात पता चली फिर आपने क्या किया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं वहां से भागना चाहती थी लेकिन वहां ऑटो टैक्सी कुछ भी नहीं था। लेकिन भागने की जगह आप उसे मना भी तो कर सकती थी कि नहीं करनी है तुमसे शादी, फिर आपने उसे मना क्यों नहीं किया? क्योंकि इंस्पेक्टर, वो लड़का पागल था, पता नहीं क्या कर बैठता। तुमने वहां पे मदद के लिए किसी को आवाज क्यों नहीं दी? देखिए, सुहानी ने हमें फोन किया था, पर हम उस वक्त एक जरूरी मीटिंग में थे, इसका फोन नहीं उठा सके। लेकिन जब हमने इसे फोन किया तो पता चला कि वहां क्या क्या हुआ था, और हमने हमने फौरन अपने आदमियों को वहां भेज दिया। तो तुमने वहां पे किसी को नहीं देखा? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। सुरेश जो मर चुका है, और सुहानी जो वहां पे थी लेकिन कहती है कि उसने किसी को देखा नहीं, और तीसरा वो पंडित, उसने कुछ और बताया? हाँ सर, दूर एक लाल मोटरसाइकिल पर किसी को तेजी से जाते हुए देखा उन्होंने। तुम तुरंत उस लाल मोटरसाइकिल के बारे में पता करो, और इस सुहानी के ऊपर भी नजर रखो। मुझे उसके मोबाइल की पूरी रिपोर्ट चाहिए कि वो किसको फोन करती है, कब फोन किया था, और किसको किसको उसने मैसेज किया था। सर, सुहानी के मोबाइल के मैसेज की डिटेल्स हैं। नरेंद्र सच कह रहे थे सुहानी ने उन्हें फोन किया था, लेकिन सर ये उसका आखिरी कॉल नहीं था। तो फिर सर, मिस्टर संजय प्रकाश। ओहो, संजय प्रकाश, संजू उसका मंगेतर, उसका एड्रेस निकालो। मेरे पति विदेश गए हैं काम से, एक हफ्ते बाद वापस आएंगे, और संजू भी कल रात से घर पर नहीं है। कितनी अजीब बात है ना कि आपका बेटा कल रात से घर पे है ही नहीं, और आपको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है। अरे तो कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना, वो होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ। सही कह रही हैं आप, तो एक काम करिए कि उसके दोस्तों की लिस्ट दे दीजिए ना। अरे सलाम साहब। सलाम। ये बताओ, ये सामने वाले घर में वो जो लड़का रहता है, क्या नाम है उसका? अरे साहब, वो संजू भैया। हाँ हाँ, भाई भाई भाई। अरे वो तो रोज मेरे से सिगरेट का पैकेट लेके जाते हैं। अच्छा, उसके पास कोई बाइक है क्या? अरे साहब, उसके पास लाल बाइक है, पूरे टाउन में फेमस है उसकी बाइक। मंदिर के बाहर भी लाल बाइक, और इस संजू के पास भी लाल बाइक। इस लाल बाइक और संजू दोनों का पता लगाओ। इस केस के सभी पहलुओं पर बारीकी से तफ्तीश के दौरान जब पुलिस ने इस केस के प्राइम सस्पेक्ट यानी कि संजू से बात करना चाहा, तो उन्हें पता चला कि संजू फरार हो चुका था। संजू का पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर पाठक और उनकी टीम ने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन संजू का कहीं कोई पता नहीं था। आखिर संजू कहाँ था, और वो पुलिस से छुपने की कोशिश क्यों कर रहा था? संजू सुहानी, संजू ये सब क्या हो गया? अब तो हमारी सगाई हो चुकी होती, लेकिन अब संजू। हम आ गए भाई, उठ जा। क्या लगता है, पुलिस बेवकूफ है? सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो हम डिसाइड करेंगे, जब बेकसूर है तो भागा क्यों? अब तू अपने हिसाब से सब कुछ बताएगा या फिर मैं उससे पूछ? मैं बताती हूँ। बोलो। उस दिन मैंने संजू को कॉल किया था। क्या, कौन सा मंदिर? तुम जल्दी से शिव मंदिर आ जाओ। गुस्से से पागल होकर मैं मंदिर के लिए निकला, और वहां सोचा था कि उसे इतना डराऊंगा, इतना धमकाऊंगा कि वो फिर कभी बाहर ही निकलेगा। लेकिन सर, जैसे मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा। हाथ में बंदूक और सामने लाश। मैं जानता था आगे क्या होगा, मैं वहां से डर के मारे भाग गया सर। सुहानी के लिए भी नहीं रुका सर। ए, ले जा रहे इसको। सर, सर, सर।
अभी सुबह देखता हूं ये सिर्फ डरपोक ही है या झूठा भी। इसको प्लास्टिक टेस्टिंग के लिए भेज दो और पता करो कि क्या गोली इसी गन से चली है। ठीक है सर। संजू डरपोक जरूर है लेकिन ये गुनाह उसने नहीं किया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने गोली चलाई हो और भाग गया। अगर गोली संजू ने चलाई होती वहां से तो सुरेश की पीठ पे गोली लगी लेकिन गोली लगी सुरेश के सीने पे, मतलब चलाई गई है सामने से। आपका मतलब है संजू सच कह रहा है? लेकिन ये बात संजू को बताना नहीं कि हमें सब पता है। अफसोस संजू कि तुम्हारे अलावा तुम्हारी बेगुनाही का सबूत देने वाला कोई और नहीं। एक है सर। क्या? इसीलिए सुहानी हमें फोन कर रही थी। संजू तुम इस सारे मामले से दूर रहो, हम उस लड़के को ठिकाने लगाते हैं। रखा ये बात हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मिनिस्ट्री तक पहुंचा है हमारी, जानते नहीं हो? जानते तो आप नहीं कि आपके होने वाले दामाद ने हमें आपका नाम बता दिया है कि आप सुरेश को ठिकाने लगाने वाले थे। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए पहले कि पूरी बात यहां बताएंगे या पुलिस स्टेशन में। वो लड़का सुहानी को परेशान कर रहा था लेकिन हमने तो सुना है कि आपकी बेटी का उसके साथ भी चक्कर था। नहीं पापा, वो तो मैं बस संजू को चिढ़ाने के लिए। खैर जो भी हो, संजू ने हमें फोन किया कि सुरेश ने सुहानी को जबरदस्ती पकड़ रखा है और हम उसे सबक सीखने के लिए निकल पड़े। क्या हुआ? टायर पंचर हो गया सर। अरे तो बदलो ना, मेरे पास डिग्गी में दूसरा टायर नहीं है सर। अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी इंतजाम करो। मैकेनिक शॉप में ये तय हो गया कि नरेंद्र पांडे का बयान सच था और सबूत के तौर पर वो पंक्चर टायर भी पुलिस को वहीं से मिला। ऐसे में सुरेश का खून किसने किया था, ये गुत्थी अब और भी उलझती जा रही थी। सर ऑटोप्सी रिपोर्ट। दुबे, ये केस उलझता ही जा रहा है। संजू के पास .38 की रिवॉल्वर है और नरेंद्र पांडे के आदमियों के पास स्टेन गन और कत्ल हुआ है देसी कट्टे से। शायद ये हो सकता है कि नरेंद्र पांडे और संजू ने ये कत्ल ना किया हो लेकिन हो ये भी सकता है कि कत्ल करने के बाद वो बंदूक कहीं छिपा दी गई। बहुत उलझ रहा है केस ये। सर सुरेश के परिवार वाले आए हैं आपसे बात करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब कुछ पता चला? देखिए मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता और सही बात यह है कि हमें अभी तक पता नहीं चला है कि सुरेश का कत्ल किसने किया है। मैंने बोला था सुरेश को इस लड़की के चक्कर में मत पड़, पता नहीं क्या जादू टोना किया था उस लड़के ने। इंस्पेक्टर साहब अगर संजू वहां था उसने ये नहीं किया तो जिसने भी किया संजू ने उसे देखा तो होगा ना, नरेंद्र जी भी वहीं थे। उस लड़की ने ही उसको वहां बुलाया था, क्या उसको नहीं पता था कि संजू और उसके पिताजी उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं? आप उनकी बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? देखिए दरअसल संजू और नरेंद्र पांडे उस समय जहां भी थे वो पूरी जांच पड़ताल हमने कर ली है और उनका बयान बिल्कुल सही है।
और संजू तो हमारे पास अभी तक रिमांड रूम में है, लेकिन हम उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस केस की पहली तभी सुलझेगी जब हमें वो बंदूक मिलेगी जिससे सुरेश का कत्ल हुआ है। इतने चलाक थे, इन्होंने कट्टा भी कहीं छुपा दिया हो। मैं आप लोगों को खबर करता रहूंगा, आप चिंता मत करिए। चलो आंटी, सुरेश की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जल्दी चलो। लेकिन सर हमें जाना कहाँ है? सब पता चल जाएगा, मुझे उस दिन का पूरा टाइम टेबल चाहिए। चलो। जी सर। लेकिन निशी बिटिया तो इस वक्त घर पर नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हाँ, पता है मुझे, उसने बताया था कि उसे कहीं बाहर जाना है। आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हमसे पूछ सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। दरअसल मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस दिन सुबह से लेकर एक के बाद एक कौन कौन सी बातें हुई होंगी, और इसी दौरान मुझे ये पता चला है कि सुरेश जाने से पहले निशी से मिला था। वो उस दिन घर पर आया था, उसका जन्मदिन था ना, तो निशी ने उसके लिए दावत रखी थी, पर कुछ घंटों बाद पता चला कि अच्छा उस समय आप सारे लोग घर पे ही थे। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारी बिटिया निशी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी उस समय, और हम उस समय अरे आप बाहर गए थे ना पोस्ट ऑफिस में। जी हाँ, हाँ। ये बहुत दिनों के बाद आए थे ना, तो पोस्ट ऑफिस में कुछ काम था। जी जी इंस्पेक्टर साहब। चलिए शुक्रिया जी। क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो वहाँ आगे से जरा दाहिने मुड़ लीजिए। जी ये यूनिफॉर्म आपकी? जी वो ये पटना के एक शोरूम में सिक्योरिटी ऑफिसर है ना, इन्हीं की है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका और मेरा काम बिल्कुल एक जैसा है। नहीं जी इंस्पेक्टर साहब, बस फर्क इतना है कि आपके पास रिवॉल्वर है और हमारे पास कट्टा। अरे अरे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर वो कट्टे वाली बात सुनी आपने? तुम दोनों अभी पुलिस स्टेशन जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जी साहब। चलो। जी इंस्पेक्टर साहब, बस फर्क इतना है कि आपके पास रिवॉल्वर है और हमारे पास कट्टा। इंस्पेक्टर पाठक यहाँ आए थे, लेकिन क्यों? पता नहीं बेटा, कह रहे थे कि उस दिन का कुछ हिसाब बनाना है, तो जिस तरह से इंस्पेक्टर पाठक इस केस को सुलझाने में लगे थे उससे इस बात का साफ पता चल रहा था कि उन्हें किसी चीज की तलाश थी। लेकिन क्या इंस्पेक्टर पाठक की ये तलाश उन्हें असली मुजरिम तक पहुँचा सकती थी, ये अभी जानना बाकी था। सर आपको यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, बस मैं जैसा कहूँ वैसे ही करते जाओ, अभी केस सॉल्व है। स्पीकर साहब, आप हमारे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं? दो मिनट रुके, सब पता चलेगा। अभी साहब यहाँ कुछ नहीं मिला। सर सर ये मिला है। अभी समझ में आया कि तुम्हारे घर की तलाशी क्यों ले रहे थे? राम यादव आईपीसी सेक्शन 302 के तहत सुरेश के मर्डर के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ले जाओ। मेरी बिटिया निशी सुरेश से बहुत प्यार करती थी, और उसने उसने उसका दिल दुखाया। क्या कुछ नहीं किया था निशी ने सुरेश के लिए? खाना बनाने से लेकर पढ़ाई तक उसकी मदद की, सब कुछ तो करती थी मेरी गुड़िया। सुरेश के बचपन की सबसे अच्छी दोस्ती मेरी बच्ची, पर वो मेरी गुड़िया का दिल तोड़कर किसी और लड़की से शादी करने जा रहा था। ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? अरे मेरी गुड़िया, कैसी है बेटा तू? कितने आंसू बहा दिए उसने मेरे फूल से बच्चे के, वरना तो
भाई से। तो तुमने कट्टा उठाया, मंदिर गए और सुरेश को गोली मार दी, ले लिया बदला, आंसू के बदले खून। पापा निशी, निशी तुम? पापा आपने मेरे पापा को क्यों बंद करा? गोली नहीं को। बेटा शांत हो जाओ बेटा, मेरे पापा कुछ नहीं किया। निशी बाबा माँ को लेकर घर जाओ बेटा, समझो बाबा। सही कह रहे हैं तुम्हारे बाबा, चलो घर जाओ। इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब कुछ हो भी नहीं सकता। और सुनो, अपना ड्रामा बंद करो अभी, ठीक है? तो चलो निकलो अभी। कंग्रेचुलेशंस पाठक साहब, भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आखिर आपने असली मुजरिम को ढूंढ ही निकाला। ऐसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती इसकी वजह से। तेरे वजह से सब कुछ खत्म हो गया, सुरेश मर गया, बल्कि मरना तुझको था, तुझको भी मरना पड़ेगा। बेटा बंदूक फेंक दो। जब से हम स्कूल में साथ थे तब से उसको प्यार करती थी और सोचती थी कि वो भी मुझको बहुत प्यार करता है, पागल। लेकिन जिस दिन वो उसके जिंदगी में आई सब कुछ बर्बाद हो गया। वो सुरेश को प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ उसका फायदा उठा रही थी और वो बेवकूफ उससे शादी करने चला था। ऐसी गलती में उसको कैसे करने देती, मुझे उसको रोकना ही था। पहुंची मैंने उन दोनों को देखा तो राम जी, आपकी बेटी निशी ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन आप हमें एक बात बताइए कि आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी ही कातिल है? उस दिन जब गुड़िया घर पहुंची मैंने देखा कि कट्टे में से गोली गायब थी। निशी बेटा, इसमें गोली थी वो गायब है, तुम जानती हो उसके बारे में कुछ? बेटा मैं तुमसे पूछ रहा हूं। निशी सब समझ गया बेटा, देखो तुम एक बात सुन लो मेरी, तुम अपने मुंह पर ताला लगा लो बेटा, इस बारे में भूल कर भी तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। जिस दिन आपको मेरा कट्टा मिला तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है, मेरी बच्ची गुनाहगार नहीं, उससे बस एक गलती हो गई है इस बेटे से। एक जिंदगी खत्म हो गई और एक बर्बाद, क्योंकि आपकी बेटी को दिमाग नहीं कट्टा चलाना ज्यादा आसान लगा। और आप इसे गलती कहते हैं, ऐसा सोच करके भी आप गलती नहीं गुनाह कर रहे हैं। राम जी, अपराध और अपराधी बहुत ज्यादा देर तक छुपे नहीं रह पाते हैं। निशे, तुम तो अपना जुर्म कब का कबूल कर चुकी थी, लेकिन मुझे तो सिर्फ सबूत की तलाश थी। इस केस की पहली तभी सुलझेगी जब हमें वो बंदूक मिलेगी जिससे सुरेश का कत्ल हुआ है। लोग इतने चालाक हैं कि अब तक तो उन्होंने कट्टा भी छुपा दिया होगा। मैं तभी समझ गया था कि सुरेश की मौत में तुम्हारा हाथ जरूर है, वो सबूत सिर्फ तुम्हारे घर से ही मिल सकता था। क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब। तुम दोनों अभी पुलिस स्टेशन जाओ,
मैं बाद में आता हूँ। जी साहब। चलो सच्चाई साबित करने के लिए यह बहुत जरूरी था कि तुम अपना जुर्म कबूल करो, इसीलिए तुम्हारी कमजोरी को मुझे अपना निशाना बनाना पड़ा। प्यार में लगी चोट सीधे साधे लोगों को भी मुजरिम बना देती है, उन्हें संगीन अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाती है, और सुरेश की हत्या इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। आज हमारे देश में प्यार के जुनून में हुए अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार 2011 में हुई हत्याओं में से 25% हत्याओं का कारण था प्यार। प्यार करना गलत नहीं है, पर प्यार में पड़कर होश खो देना गलत है। सुरेश का कत्ल करने के जुर्म में निशी को आईपीसी की धारा 299, 300 और 304 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कानून की सजा से बदतर सजा वो थी जो निशी ने खुद अपने ही हाथों से खुद को दी थी। आक्रोश के एक पल ने उससे उसका बचपन का दोस्त, उसका प्यार यानी कि सुरेश को उससे छीन लिया था। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मुसीबतों का हल जुनून या जोश में नहीं निकलता है। मुसीबतों को हल करने के लिए जरूरी है होश में रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान।